नमस्ते बच्चों आज हम सातवीं कक्षा का एक नया पाठ पढ़ेंगे पाठ का नाम है कंचा जो विख्यात मलयाली साहित्यकार श्री टी पदमनाभन के द्वारा लिखी गई एक छोटी कहानी का हिंदी अनुवाद है प्रस्तुत कहानी एक ऐसे लड़के पर केंद्रित है जो सदा एक काल्पनिक दुनिया में विचरण करता था एक बार उसने दुकान में कुछ कंचे देखे इसके बाद उसके मन में जो जो विचार आए कंजे खरीदने के लिए उसने क्या किया आदि के बारे में ही प्रस्तुत कहानी अब हम पढ़ेंगे कंजा वो नीम के पेड़ों की घने छाव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था हिलते हिलते-डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था शरीर कभी छोटे शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से यो, वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे मगर वो न कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था कैसी मजेदार कहानी कौर और आर की सी इन द बिगिनिंग ऑफ दिस लेसन वी कैन सी दैट ए स्मॉल बॉय ही वॉज गोइंग टू हिस्स स्कूल ओके सो ही वॉज गोइंग टू द स्कूल थ्रू द पेड़ों की खनिज मींस थ्रू द शेड ऑफ द ट्री नीम के पेड़ मतलब द नीम ट्री उस समय उसके मन में जो विचार था वो एक कहानी के बारे में था सो पिछले दिन उन्होंने उसने जो कहानी सुना था जो कौवे और सिया की कहानी सुना था इसके बारे में वो सोचकर वो अपने स्कूल की तरफ जा रहा था मीन्स द स्टोरी दैट ही हेट द प्रीवियस डे एंड ही वॉज गोइंग टू द स्कूल ओके सो इसके बस्ते में बस्ता मतलब इन द स्कूल बैग लॉट ऑफ थिंग्स वेयर देयर लाइक द द स्लाइट वॉज देयर देन पेंसिल्स वेयर देयर सम स्मॉल बोटल्स वेयर देयर और दो थिंग्स वे हिटिंग हीटिंग टूगेदर दैट इज वाई सम साउंड कमिंग फ्रॉम इनसाइड द स्कूल बैग

See, children, I think that all of you might have heard this story. It was a story of a crow and a fox. Okay, so one day the crow got a small piece of roti, and uh, when a fox saw that this crow is going to eat the roti, so he wanted to snatch this roti piece from the uh, crow. That is why uh, he was such a clever uh, fox, and uh, he said, that, Your sound is so sweet, so you, uh, please sing a song for me. Then, uh, when the crow heard this flattery,

The meaning of Naudo Gyaraphona is Pagjana. Pagjana to run away. Okay, so when the small piece of roti that fell down, then uh, he uh, ran away from there. So he uh, took this uh, roti piece and he ran away from there. So wo means while he was thinking about the story, so he laughed loudly. So he forgot everything that he's walking through the road, he's going to the school. So he forgot everything and he laughed loudly. And Budhukava, बड़े बड़े जार कतार में रखे थे उनमें चॉकलेट पेपरमेंट और बिस्कुट थे उसकी नजर उनमें से किसी पर नहीं पड़ी क्यों देखे उसके पिताजी उसे ये चीजें बराबर ला देते हैं ओके okay, सो so वो चलते चलते दुकान के सामने पहुँचे मिन्स स्टील ही वाज वॉकिंग एंड लास्ट ही रीच्ड इन फ्रंट ऑफ ए दुकान इन फ्रंट ऑफ ए शॉप वहां अलमारी में कांच के बड़े-बड़े जार कतार में रखे थे मीन्स इन द शॉप देयर वाज ए अलमारी सो so, अलमारी में कांच के बड़े-बड़े जार एक कांच मतलब ग्लास ओके सो सो मेनी ग्लास जार्स वर केप्ट इनसाइड द अलमारी ओके okay. वो कतार में रखे थे कतार मतलब ए लाइन देन उनमें चॉकलेट बिस्कुट थे ग्लासलेट वेयर और बिस्कुट उनकी नजर उनमें से किसी पर नहीं पड़ी बट हीस्टेड इन एनी ऑफ दोस्ट बिकॉज उसके पिताजी उसे ये चीजें बराबर ला देते हैं बिकॉज ही फादर ही ऑलवेज यूज टू ब्रिंग दोस्म दैट इज वाई नॉट नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन दो फिर एक नए जार ने उसका ध्यान आकर्षित किया वो कंधे से लटकते बसते काफी था एक तरफ खड़ा कर उस जार को सामने खड़ा टुकर टुकर ताकता रहा नया नया लाकर रखा गया है उसे पहले उसने वो चीज यहां नहीं देखी है ओके सो सो मेनी ग्लास जार्स वर देयर एंड ही वाज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड बट लास्ट एक नए जार ने उसका ध्यान आकर्षित किया

उससे पहले उसने ये चीज यहां नहीं देखी है एंड बिफोर दैट ही सफेद गोल कंचे बड़े आवले जैसे कितने खूबसूरत है अब तक ये कहा थे शायद दुकान के अंदर अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा सी पूरे जार में कंजे है सो दिस द न्यू जार विच अट्रैक्टेड ओके सो दैट वाज फुल ऑफ कंचा कंचा मतलब दैट वाज फुल ऑफ मार्बल्स ओके हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे सी इस कंचे के बारे में बताया है कि हरी लकीर वाले सो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू माई हैव सीन दिस कंचा दिस मार्बल सो इन विच देयर विल बी ए हरी लकीर मीनस ए ग्रीन लाइन विल बी देर देन एक बढ़िया सफेद गोल कंजे सफेद बढ़िया अ वाइट कलर इट अ ट्रांसपेरेंट ए गोल गोल मतलब राउंड शेप देन बड़े आंवले जैसे कंचास बड़े आंवला आंवला मतलब दैट इज आंवला कितने खूबसूरत सो व्हेन ही सो कितने खूबसूरत मींस हाउ ब्यूटीफुल आर दिस कंचा ओके अब तक एक कहां थी मींस टें

छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वो अकेले ही खेलता था ओके okay, सो so उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा सो दिस बॉय सच ए बॉय हु ऑलवेज टू इन वर्ल्डा इन एन इमेजिनरी वर्ल्ड ओके सो सो दैट इज ही दिस कंचा साइड द न्यू जार देन लुकिंग दिस जार वो बड़ा होने लगा मीनस ही फेल्ट दैट दिस स्मॉल जार विच इज केप्ट द अलमारी इट इज इट इज बिकमिंग बिग ओके वो आसमान सा बड़ा हो गया मीन्स इट इज आस बिग लाइक आसमान आसमान मतलब द स्काई तो वो भी उसके भीतर आ गया मीनस वेन दैट जार बिकेम दैट बिग लुकिंग और नाउ ही इज नॉट स्टैंडिंग आउटसाइड नाउ ही इज इन साइड लड़का तो नहीं था सो इन साइड नो अदर बॉयज वेयर फिर भी उसे वही पसंद था सो दो ही वॉज अलोन ही लाइक दैट क्योंकि छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वो अकेला ही खेलता था ओके बिकॉज आफ्टर द हमेशा के लिए चला जाना मीनिंग ऑफ हमेशा के लिए चला जाना मतलब चला जाना इज टू गो सो हमेशा के लिए चला जाना मतलब ओ मृत्यु हो जाना उसकी छोटी बहन की मृत्यु के बाद मीन्स फ्रॉम दिस सेंटेंस वी कैन अंडरस्टैंड दैट हीज younger sister she died okay after the death of his younger sister he always used to play alone that is why uh, even though he was alone inside the jar he did not feel any sadness so he was very happy e even in that uh, loneliness okay then means now he started playing विद कंचा ओके तभी एक आहवास आई सडनली सो एक्चुअली दिस वॉज ओनली द इमेजिनेशन ऑफ दिस चाइल्ड सो सडनली हि हेड वन साउंड लड़के तो उस जार को नीचे गिरा देगा वो चौंक उठा सो दिस वॉज द साउंड ऑफ द शॉपकीपर द शॉप शॉपकीपर लड़के बॉय तो उस जार को नीचे गिरा देगा इफ यू लुक दिस जार लाइक दिस देन समटाइम्स जार विल फॉल डाउन ओके वो चौंक उठा मीन सी वॉज सो शॉक एंड ही केम बैक टू दस ओके देन जार अब छोटा बनता जा रहा था मीन्स नाउ ही केम बैक टू द रियल रियलिटी Then now he felt that again the jar, which was so big like a sky, it was becoming small. Or छोटे jar में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे once again he saw that this small jar was full of kancha, which is having a green line inside it, and it is gold आकर मतलब the round shape. Okay. और छोटे आंवले जैसे यानि all those kancha were looking like the small आंवला मतलब gooseberry Okay. सिर्फ दो जने वहाँ हैं.

दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया मींस ही स्टार्टेड ओपनिंग दिस जार उसने निषेध से हिलाया बट व्हेन ही सो दैट द दुकानदार द शॉपकीपर ही इज गोइंग टू ओपन द द जार नाउ ही शुक हिज हेड लाइक दिस ओके सिर हिलाया वो उसने निषेध में निषेध मतलब दैट मींस द इंस्ट्रो सेइंग नो ही जस्ट शुक हिज हेड ओके देन दोपहर ओके सो इफ यू डोंट वांट दिस कंजा देन व्हाई आर स्टैंडिंग हियर नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दीपर सवाल खूब रहा क्या उसे कंजा चाहिए क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं है जो भी हो उसने कंचे को छू कर देखा जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का अहसास हुआ अगर वो चाहता तो कंचा ले सकता था ओके एक्चुअली दैट वॉज ए प्रॉपर क्वेश्चन बिकॉज क्या उसे कंजा चाहिए मीन्स डस ही नीड दिस कंचा क्या चाहिए की मीन्स वाट ही नीड्स उसे खुद मालूम नहीं है एक्चुअली ही डस इन नो दैट वाट शुड आई बाई फ्रॉम दिस शॉप ओके शुड आई बाईट और नॉट ही कू नॉट टेक ए डिसीशन So, जो भी हो उसने कंचे को छू कर देखा सो ही जस्ट ही जस्ट टच दिस कंचा okay. जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का अहसास हुआ बट वेन ही टी गोट ए टाइट बिकॉज बोध इज एंड कंचा वेयर मेड ऑफ ग्लास ओके सो अगर वो चाहता तो कंचा ले सकता था नीड्स मिन सी नीड्सा फ्रम इन साइड द जार देन लिया होता तो स्कूल की खंडी सुनकर वो बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा सो वाइल ही वॉज स्टैंडिंग देयर विदाउट टेकिंग ए डिसीजन देन सडनली ही हेयर द साउंड ऑफ द बेल ओके सो द बेल फ्रॉम द स्कूल सो बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा मीन्स ही होल्ड हिज बैग एंड ही रैन टुवर्ड्स हिज स्कूल देन देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बढ़ना पड़ता है उस दिन सबके बाद पहुंचा था इसलिए वो चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया

तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अमो है। मींस आफ्टर सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच ही लुक अराउंड द क्लास रूम सो ही कुर्सी

इच एंड एवरी वन वन हु प्ले विथ इस जॉर्ज ओके सो से मात खाएगा मतलब मात खाने का मतलब है हार जाएगा मतलब दे विल बी डिफीटेड ओके हारने पर यो ही विदा नहीं हो सकता हारे हुए को अपने बंद मुठी जमीन पर रखनी होगी वन हु लूज द वुड हैव टू कीप देयर बंद मुठी ऑन द द जमीन दमीन का मतलब है फिस्ट जमीन मतलब ऑन द लैंड तब जॉर्ज कंजा चलाकर बंद मुठी के जोड़ों को uh, जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा देन ही आज टू हिट ऑन देयर फिस्ट विद दिस कंजा कंजा मतलब मार्बल ओके देन जॉर्ज क्यों नहीं आया सो देर वॉज ए क्वेश्चन इन हिज माइंड वाई टूडे जॉर्ज इज ऑब्सेंट

इज सिख ओके उसने मल्लिका को सब बुदाया था सो ही सेट एवरीथिंग टू मल्लिका जॉर्ज के खर रामन के खर के रास्ते में पड़ता है वाई रामन वॉस अवेयर अबाउट दिकनेस ऑफ जॉर्ज बिकॉज हिस हाउस इज नियर बाय द हाउस ऑफ रामन ओके वो कक्षा की तरफ दिया नहीं दे रहा थिंग अबाउट जॉर्ज नाउ मास्टर जी नाउ सडनलीम द मास्टर जी के उसने हटबड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली रेलगाड़ी का सबक था ओके सो 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 ही ही मास्टर जी हड़बड़ी में अ वेरी फास्ट वो पुस्तक खोलकर सामने देख ली ओपन द टेक्स्ट एंड ही केप द टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ हिम देन रेलगाड़ी का सबक था सो इट वॉज ए न्यू लेसन ए सबक सबक मतलब इट वॉस अ लेसन ऑफ रेलगाड़ी मतलब ट्रेन देन रेलगाड़ी रेलगाड़ी पृष्ठ सैतीस

उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है तुम लोगों के घरों के चूल्हे में भी, ओके सो नाउ मास्टर स्टार्टेड टीचिंग अबाउट दिस ट्रेन ओके सो ऊंची आवास में कह रहा था मीनसिंग वेरी लाउडली बचो मीनस में से, से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी मीन्स मोस्ट ऑफ यू उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं इस इस भाप की गाड़ी. का मतलब है वेपर ओके okay. देन क्योंकि और स्टीम, ए भाप की गाड़ी मतलब द स्टीम इंजन क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है बिकॉज इंजन इज वर्किंग एनर्जी ऑफ दिस का मतलब पानी से निकलती भाप से ही मतलब मीन्स द भाप दर इज कमिंग फ्रॉम द पानी दर इज कमिंग फ्रॉम द वाटर और तुम लोगों के घरों के चूल्हे में लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट गाड़ी मतलब द स्टीम इंजिन बट वायल ही है then suddenly uh, he started thinking about something else okay apu ne bhi socha rail gadi usne rail gadi He means now while the teacher was teaching about the train uh, so apu uh, he went to his imaginary world so he thought that yes rail gadi i have seen this rail gadi chuk chuk ये ही रेलगाड़ी है या द रेलगाड़ी द द गाड़ी द द इज रनिंग विद साउंड साउंड दैट इज कॉल्ड रेलगाड़ी ओके वो भाप की गाड़ी का मतलब बट वट इज द मीनिंग ऑफ दिस भाप की गाड़ी सो ही स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द मीनिंग ऑफ दिस भाप की गाड़ी सो so, मास्टर जी की आवाज अब कम ऊंची थी वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे ओके सो नाउ द साउंड ऑफ द मास्टर जी बी लिटिल सॉफ्ट ओके देन वे रेलगाड़ी के हरे एक हिस्से के बारे में समे मीन आ नाउ ही वॉज एक्सप्लेनिंग अबाउट इच एंड एवरी पार्ट्स ऑफ दिस रेलगाड़ी पानी देखने के लिए खास जगह है सो ही सेड सेट सो इन ए ट्रेन देर ए पर्टिकुलर प्लेस पिंग द uh, पानी पानी मतलब वॉटर इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं इन इंग्लिश इज कॉल्डास पर्टिकुलर पोर्स इज कोल्डास बॉयलर ओके लोहे का बड़ा पीपा है एक्चुअली बिग पीपा मेड uh, ऑफ लोहा लोहा मतलब मेटल uh, लोहे का एक बड़ा कांच का जार उसमें हारी लकीर वाले सफेद गोल्ड कंजे सो वेन ही है द मार्बल ओके देन लोहे का एक बड़ा कांच का जार बिकॉज नाउ इन द इमेजनरी वर्ल्ड सो इनस्टेड ऑफ सीइंग दिस रेलगाड़ी सो ही दट अ बड़ा जार बड़ा जार मतलब बिग

बिग गुस्तार्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उसे कहेगा सो वेन जोर्ज कम टू द स्कूल हिम उस समय जोर्ज कितना खुश होगा सो दाइम हाउ है खेलेंगे

Angry, गुसा, गुसा मतलब anger. Okay, अरे तू इधर क्या कर रहा है? And in that anger, the teacher asked that, Hey, what are you doing there? उसका दम खुद रहा था. बोल. So he did not reply anything because he was so scared. Okay, so that is why the teacher he said again that, Hey, बोल means tell me, what were you doing there? wo कामोश khada रहा. So still he was कामोश. कामोश matlab मतलब, he was silent. kya nahi bolega So what do you tell me? देन वे अपू के पास पहुंचे नाउ द टीचर ही केम नियर टू अपू सारी कक्षा सास रोके हुई उसी तरफ देख रहेगरली वेटिंग टू सी दिल द टीचर डू ओके उसकी खबर हट बढ़ गई सो नाव अपू ही पैनिको नर्वस ओके मैं अभी किसके बारे में बता रहा था नाउ द टीचर केम एंड क्वेश्चन दो वाट वॉकिंग अबाउट व्हाट वाज आई एक्सप्लेनिंग अबाउट कर्म मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है

देखा की जबान पर जवाब था मीन्स नाउ मास्टर पर जवाब था मीन इज जबान मतलब मोटिवेशन टू चाइल्ड ओके नाउ वो कामते हुए बोला कंचा ओके सो व्हेन द टीचर वॉज रिपीटेडलीस क्वेश्चनिंग विर एंड कंचा येस yes, सर you are talking about kancha kancha now the teacher uh, he said kancha uh, okay gaya. Uh, stand up okay so now he got the punishment okay so he said that stand up

सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं रामन मल्लिका, सब ओके बट इवन दो ही क्राइड दैडनेस डि नॉट डिक्रीज ओके सो वेन ही सो द चिल्ड्रन ऑफ दट क्लास दे ऑल they लुकिंग एट हिम एंड देर दे ऑल वे आर मेकिंग हिम फन ऑफ दट इज वी रामन, मल्लिका सब इन ऑलवेयर टीसिंग इंसल्टिंग हिम देन बच्चे बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा दिखा दूंगा सबको जॉर्ज को आने दो जॉर्ज जब आए जॉर्ज के आने पर वो कंचे खरीदेगा इनमें से किसी को वो खेलने नहीं बुलाएगा कंचे को देख ये ललचाएंगे इतना खूबसूरत कंचा है ओके सो नाउ स्टैंडिंग ऑन द सो ही वाज थिंकिंग दैट आई विल टीच देम दम लेसन ओके सो लेट जॉर्ज कम ओके आफ्टर द जॉर्ज कम टू द क्लास आई विल बाय दिस कंचा एंड आई डोंट आई विल नॉट लेट एनी ऑफ दिस चिल्ड्रन Touch my kancha, okay. I will not let them to play with me, okay. And these are the kub surat kancha, these are beautiful kanchas, okay. I will show them everyone, but I won't let them touch my kancha. I won't let them to play with this kancha, okay. Then hari lekhi wale saffed gold

हाउ वि आई गेट दिस कंचा क्या मांगने पर दुकानदार देगा सो विल दुकानदार गिव इट मी ओके देन जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो नहीं दे तो एंड इफ यू वॉन्ट गिव देन हाउ विल आई गेट दिस कंचा एक्चुअली डस नॉट हाउ मनी टू बाई ओके दैट इज वाई हीस दुकानदार विल गिव बट इफ यू विल नॉट गिव देन वट विल आई डू